हाय हरिपण दोस्तों, मैं हूँ प्रेम डेमिल प्रवा और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमा। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को टॉपिक। तो ये दोस्तों शुरू। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी एक रुपये में दो की दर है ना, सी नींबू दो नींबू खरीदता है और तीन रुपये में पाँच की दर से बेचता है और ये खरीदता है, ठीक है। तो अपन को सीपी, पहले तो कास्ट प्राइस सीपी एंड सेलिंग प्राइस ये निकालने पड़ेगी, फिर इसका लाभ हानि निकालेंगे, ठीक है। कास्ट प्राइस क्या होगा, पहले दो रुपये में एक खरीदता है, सॉरी एक रुपये में दो खरीदता है और तीन रुपये में पाँच बेचता है। इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो पाँच का एक में गुणा करेंगे, पाँच और दो तिया छः, पाँच रुपये पर छः, यानी कि एक रुपये का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना रुपये का हुआ, एक रुपये का हुआ उसका। तो देखो, पाँच में खरीदा, छः बेचा, तो एक रुपये का लाभ हुआ है ना। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, एक बटा पाँच इंटू 100/1, पाँच से काटा तो 20, यानी कि 20% का उसको लाभ हो गया, 20% का उसको लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दस रुपये में कितना खरीदता हो पाँच और 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है तो देखो, पहले तो सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है ना। तो पहले 10 रुपये में कितना बेचता है 10 रुपये में 5 खरीदता है, फिर 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है तो 10 × 6 = 60 और 15 × 5 = 75 60 में खरीदा 75 में बेचा तो उसको लाभ कितना हुआ, 15 रुपये का लाभ। लाभ कितना हुआ उसको, 15 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ, 60 पे हुआ। 15/60 × 100/1 15 × 4 = 60 4 से काटा 4 × 2 = 8 4×5 = 20 यानी कि 25% उसको लाभ हुआ, 25% उसको लाभ हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि 15 रुपये की 6 की दर से केले खरीदता है। देखो, अब सीपी डायरेक्ट निकालेंगे अपन और सेलिंग प्राइस। देखो, 15 रुपये में 6 केले खरीदता है कितने खरीदता है, 15 रुपये में 6 केले खरीदता है और 12 रुपये में 4 की दर से बेच देता है ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस। तो 15 × 4 = 60 और 12 × 6 = 72 60 में खरीदा 72 में बेचा यानी कि 12 पे तो उसको लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर 12/60 × 100/1 12 × 5 = 60 5 × 5 = 10 20% का उसको लाभ हो गया। लाभ कितना परसेंट हो गया, 20% उसको लाभ। अगला देखिए,
एक गाय को 8,580 रुपये बेचने पर 4% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य बताइए। देखो प्रॉफिट हो रहा है वो लेके रहे लाभ 4%, ठीक है। तो 4/100% का मतलब क्या होगा, 4/100, 400 काटेंगे तो 4 × 8 = 20, यानी कि 1/25। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब 25 पर 1 रुपये का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 6 हो गया। विक्रय मूल्य क्या हो गया, 6 रुपये हो गया। 26 रुपये हो गया। अब ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 8,580 के बराबर है, 580 के बराबर है। तो 13 से काटो, 13 × 26, 13 × 6 = 78, 78 = 80 और 7 बचे, 7 × 8 = 78, तो 13 × 78 ने सीपर ही आ गई। 2 से काटा तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 0, 330 आ गए। इसी 330 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 25 का गुणा 0, 25 × 75 = 5 = 7, 25 × 75 = 7 = 82, 8,250 रुपये। क्रय मूल्य क्या हो गया, 8,250 रुपये हो गया। आयोग के समझ में आ गया होगा। इसी तरह का अगला क्वेश्चन एक और देखिए। एक दो कारें साथ प्रत्येक को 7 लाख रुपए बेची गई और एक पे 20% लाभ और एक पे 20% हानि, तो इस सौदे में क्या हुआ। देखो दोस्तों, जब बराबर परसेंट में लाभ हो और बराबर परसेंट में हानि हो तो इस सौदे में उसको कुल मिला के हानि होती है। क्या होती है उसको, हानि। अब हानि प्रतिशत बराबर हानि क्या होती है, उभयनिष्ठ लाभ या हानि, तो कितना हो रहा, 20, 20/10 का स्क्वायर, तो 20 कितना हुआ, 400/10 दाम 100, 2 सिपर कट गई बराबर 4% की उसको हानि होगी। हानि कितनी होगी, 4% की उसको हानि होगी, ठीक। इसी तरह एक क्वेश्चन और देख लीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए CP and SP सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21, तो 1 रुपये का लाभ, ये किस पे, 20 पे, तो लाभ परसेंट बराबर 20 × 100/1, 20 × 200 = 100, तो 5% का उसको लाभ हो गया। लाभ कितना हो रहा है उसको, 5% का। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों। देखिए किसी वस्तु को 5% हानि पर की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य बताओ। देखो 5% हानि के अपेक्षा 10% लाभ पर बेचे तो 75 अधिक मिलते हैं, अधिक मिले या कम मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब दोस्तों ध्यान रखें कि एक हानि और एक लाभ है तो जुड़ेगा, अगर दोनों लाभ है तो घटेगा, और दोनों हानि हो तो घटेगा, दोनों हानि हो तो घटेगा और दोनों लाभ हो तो घटेगा, लेकिन अगर एक हानि ने एक लाभ है तो जुड़ेगा। तो देखिए ये 105, 15% का मान कितना है, 75, तो 1% का मान कितना होगा, 15 × 5 = 5, तो 100% का मान क्या होगा,
500 क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 500 रुपये। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बीस परसेंट लाभ और 20% हानि और कितना मिल रहा है इसको, 60 रुपये अधिक मिल रहा है, 60 रुपये एक लाभ एक हानि मिलेगा, तो 20 से 20 कितना हो गया 40% बराबर 60, 1% बराबर 60/40, 100% बराबर 60/40 इंटू 100/1, सिपर सिपर कट गई 4 से 15, 15 दाम 150, क्रय मूल्य कितना हो गया 150 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया 150 रुपये हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, किसी को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ, अब देखो दोनों लाभ ही थी, दस परसेंट लाभ के 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 45 रुपये अधिक मिलते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि दोनों का लाभ हो तो घटेगा या दोनों हानि हो तो घटेगा, यहाँ पे दोनों लाभ है इसलिए घटेगा, 25 में 10 गया तो कितना बचा 15% बराबर 45, 15 से 15 1% का मान क्या है 3, तो 100% का मान क्या होगा 300, क्रय मूल्य कितना आएगा उसका 300 रुपये। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, थैंक यू।